वन्य प्राणियों की तस्करी की वारदातों पर अंकुश लगाने का प्रयास जारी है। वन्य प्राणियों की तस्करी पर सिरे से अंकुश लगाने पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं, जिसके चलते मुखबिर की सूचना पर एक दो मुआ सांप की तस्करी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को अहम सफलता हासिल। 7 करोड़ की कीमत वाले एक दो मुआ सांप चकलोन भी जब्त किया गया है। गौरतलब है कि उक्त दो मुए सांप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक है। अधिक कीमत होने की वजह से उक्त सांप की तस्करी की जाती है। इसके साथ ही ये दो मुआ सांप जादू टोने और तंत्र मंत्र में भी इस्तेमाल किया जाता है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बस स्टैंड नरसिंहगढ़ पर 3 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हुए हैं, जो सांप खरीदने व बेचने के संबंध में किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु नरसिंहगढ़ SDOP के मार्गदर्शन में जब एक टीम मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर बस स्टैंड पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति पुलिस को आता देख भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ कर उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।